हेलो एवरीवन, हल्क वर्सेस गोस्ट राइडर, ये फाइट तो देखने लायक होगी। दोनों के ऊपर कंक्लूजन ड्रॉ करने से पहले इनके बारे में थोड़ी थोड़ी स्टोरी जान लेते हैं। डायरेक्ट मैं हार जीत का फैसला कर दूंगा, तो तुम लोग तो कमेंट में मेरी बैंड ही बजा दोगे। हल्क की पावर पे आते हैं। हल्क यानी AKA रॉबर्ट ब्रूस बैनर, ये दोनों अपने आप में एक सेपरेट पर्सनैलिटीज़ है जो एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। हम सब जानते हैं कि ब्रूस बैनर जिस पे गामा रेडिएशन का असर होने से वो हल्क में ट्रांसफॉर्म हो गए और उनकी निराश रहने वाली ज़िंदगी फिर से चहक उठी। ब्रूस बैनर हल्क में तभी ट्रांसफॉर्म होता है जब उसे कोई इमोशनल स्ट्रेस हो या उसे गुस्सा दिलाया जाए। फिर तो पता ही है लोकी को पटक पटक के कैसे मारा था एवेंजर्स मूवी में। इसकी हाथ में आ गए ना तो सबकी गांड फटने लगती है। तभी तो हम इसके फ़ैन हैं, पर साले हरामखोर मार्वल वाले इसे दो पिक्चर से बहुत ही कमज़ोर दिखा रहे हैं। अब आते हैं हम लोग गोस्ट राइडर पे। गोस्ट राइडर यानी कि हमारा फेवरेट जॉनी प्लेज। इसकी स्टोरी बताओ तो एक स्टंट मोटरसाइकिलिस्ट है जिसने अपने फादर की जान बचाने के लिए अपनी जान तक का सौदा शैतान से कर दिया, पर उसे पता ही नहीं था कि उसने साइन वाइन करवा के उसको शैतान ही बना दिया। जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने की बारी आई तब हमारे ब्लेज भाई के शरीर में हेल फायर जलने लगी, यानी कि उनके शरीर में आग जलने लगी। फिर क्या, अपने जॉनी भाई निकल जाते हैं अपनी बाइक वाइक लेके शैतानों को मारने, ज़िंदगी के मज़े लेने। फिर हमें पता चलता है कि ये गोस्ट राइडर तो गॉड ज़ेराटोस का अवतार है, यानी कि उस पर गॉड ज़ेराटोस का हाथ है। जब वो गोस्ट राइडर बनता है तो वो डिट्टो ज़ेराटोस जैसा दिखता है। मतलब अब हम ये मानना ही पड़ेगा कि ये एक गॉड है। दोनों की पावर्स और अबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। अब गोस्ट राइडर पे है तो इसकी पावर और अबिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इनके पास है बहुत ही ज़्यादा सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, ड्यूरेबिलिटी। इनके पास फुल कंट्रोल में हेल फायर वाले बाइक, चेन्स, वार्ड्स और शॉटगन है। आगे सुनते जाओ, ख़त्म नहीं हुआ अभी, सुनते जाओ आगे। इनका आग, गर्मी, लावा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और ये आँख दिखा के किसी को भी मार सकते हैं। पिक्चर देखा होगा तो पता ही होगा आपको, ये मरने के बाद फिर से जी सकते हैं। ये नहीं कि इनके ऊपर एक बाल्टी पानी डाल दो तो ये मर जाएंगे, ये फिर से खड़े हो जाएंगे। इसके पास बहुत सारी हीलिंग है, ये अपने मुँह से लगातार जितना चाहे उतना आग बरसा सकते हैं। कहीं भी, किसी भी जगह, किसी भी डायमेंशन में ये ट्रैवल कर सकते हैं। और एक लास्ट बात बोलो तो ये मोटल है, यानी कि वो सोल मोटल नहीं पबजी वाला, असली मोटल जिस जो कभी मरता नहीं। इनको ह्यूमन वाले फॉर्म में मारोगे तो इनको गर्मी चढ़ेगी और ये आपकी गर्मी उतार देंगे। अब आते हैं हम लोग हल्क के ऊपर। हल्क की बात करें तो इसके पास ज़बरदस्त हीलिंग फैक्टर है। वो एक ओमनीपोटेंट बीइंग है, यानी कि वो सर्वशक्तिमान है। वो सेल्फ सेटिस्फाइड और सेल्फ सफिशिएंट भी है। उसकी डेंसिटी को चेंज भी और मैनिपुलेट भी वो कर सकता है। अब क्या फैसला करूँ, कई लोग चप्पल फेंक के मारेंगे, लेकिन भाई कड़वा सत्य यही है कि गॉड गोस्ट राइडर ही इस लड़ाई का असली विनर है, क्योंकि वो खुद ही गॉड ज़ेराटोस का अवतार है। एक कॉमिक आई थी जिसमें इन दोनों की नाम की फाइट हुई थी, उसमें हल्क ने इसको मारा वारा था और वो पड़ा रहा और वो अचानक से ब्लास्ट के साथ खड़ा हुआ और ये कह के निकल गया कि हल्क इनोसेंट है। बस इसने उसको नहीं मारा, उसने इसको नहीं मारा, लड़ाई खत्म। आपको क्या लगता है, हल्क इनोसेंट है? गोस्ट राइडर के बारे में एक और बात बताओ तो, उसकी जो येलो हेल फायर है उसका मतलब है कि उसकी सोल अभी तक करप्टेड है। आपने गोस्ट राइडर 2 मूवी में देखा ही होगा कि लास्ट में उसने मेफिस्टो को मारा तो उसकी जो हेल फायर है वो ब्लू हो गई। मतलब अभी हमारे जॉनी भाई के पास गोस्ट राइडर का पूरा कंट्रोल नहीं है और गोस्ट राइडर जो चाहे वो कर सकता है। देखो भाई, अगर सही बात बोलूँ तो गॉड ज़ेराटोस ने गोस्ट राइडर को अपनी पूरी की पूरी पावर दी है विथ इमोर्टलिटी, और वो चाहे तो अपने एक चुटकी में पूरी अर्थ की पॉपुलेशन को ख़त्म कर सकता है। उसमें तो हल्क सिर्फ एक घोड़े की तरह है। हाँ, गोस्ट राइडर को थोड़ी तकलीफ ज़रूर होगी हल्क को हराने में, पर आखिरी में हल्क को मरना ही पड़ेगा। आखिर में जो कड़वा सत्य है वो है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी अगली वीडियो कौन सी बनाऊँ, कोई यूनिवर्स को कंपेयर करूँ या नहीं करूँ।
तो अब तक के लिए बस इतना ही, चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ओके गाइज, बाय।